अभी ज़्यादा एक्ट करने का जरूरत नहीं, मुझे नेचुरल ही होना चाहिए। तो तभी जो भी है, कुछ लोग ज़्यादा करने से मैं नहीं सकते, बस इतना ही चाहते। सो दे आर वेरी गुड पीपल, सो दैट्स वाई दे माइट हैव सेड मेनी थिंग्स अबाउट मी। सो बट कभी भी गुस्सा नहीं हुआ, कभी भी एनवायरनमेंट मूवी शूटिंग जैसा नहीं हुआ। सो जस्ट फ्रेंडली कैजुअली शूट चला था। सो तभी भी वो भी एक रीज़न हो सकता है उसको लगा कि या सो दैट बेसिकली दैट्स वाज द थिंग। आउटडोर शूटिंग में सब तो ऐसा ही चलेगा। सो आउटडोर शूटिंग था, पहले शूटिंग खत्म हुआ तो सब रूम पे वापस आके शाम में बातचीत करते रहते। तो तभी लकीली हमारा तीन लोगों का एक ही मैम 3 डेज गैप में बर्थडे हुआ था। तो वो सेलिब्रेट वो रेगुलर इशू है टॉलीवुड में, जो रेगुलर इशू चलता रहेगा सब। बेसिकली मेड इट इन हिंदी मेजरली, सो वी थॉट फॉर मेन हिंदी ओनली। सो वी आर फ्रॉम साउथ, सो वी हैड ए नेटवर्क टू रिलीज द मूवी। सो वी आर ऑल्सो शॉर्ट सम सीन्स इन तेलुगु, सो देर इज लेस टॉकी पार्ट, सो मोर एक्शन पार्ट। सो इट इज ईजी टू फॉर अस टू शूट इन बोथ लैंग्वेजेस। सो दोनों लैंग्वेज पे एक ही दिन रिलीज होगा अप्रैल में, मोस्टली 99% अप्रैल में होगा। डेट अभी 2-3 दिन में कंफर्म करेगा। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। पहली बार एक साउथ डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रहा हूँ। हम लोग पहले से साउथ की फिल्में देखते आते हैं, इन्जॉय करते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार इट्स बिन एन ऑनर फॉर मी कि मैं एक साउथ डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है, उस यूनिट के साथ मैंने काम किया है। दे आर वंडरफुल पीपल, इट वॉज़ अ लवली एक्सपीरियंस। इस फिल्म में मैं एक प्रोफेसर फिल्प करके एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि फिल्म में काफ़ी देर से आता है, लेकिन एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है इस फिल्म का। और एक ऐसे पॉइंट पे आता है जहाँ पे लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, जो कुछ फिल्म में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो उस पॉइंट पे मेरी एंट्री होती है। और चूँकि मैं एक प्रोफेशनल प्ले कर रहा हूँ, एक प्रोफेसर प्ले कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे नुक्स वगैरह इनको दिखाता हूँ जिससे कि उनको वो सोल्यूशन मिलते हैं जो प्रॉब्लम है। तो अच्छा इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है, मतलब स्टर्न है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा एलैबोरेट या फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर नहीं है, तो मज़ा आया ये कैरेक्टर प्ले करके। इट वॉज़ वंडरफुल वर्किंग विद सलिल अंकोला जी, नासिर खान जी। आई हैव डन वन फिल्म विद नासिर जी एंड ही इज़ बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड इट वॉज लवली वर्किंग विद हिम। इवन द लीड पेयर रॉबिन एंड नवनीत, इट वॉज वंडरफुल वर्किंग विद दैम। परिणीति वॉज ऑल्सो वंडरफुल टू वर्क विद। अवनीत वॉज ऑल्सो ग्रेट टू वर्क विद। सारे लोगों ने, हमने क्या होता है, आप जब एक आउटडोर लोकेशन पे शूट करते हैं कोई भी फिल्म, तो शूट के बाद भी आप कास्ट के साथ इंटरेक्ट करने का आपको मौका मिलता है। आप चिल करते हैं, हैंग आउट करते हैं, साथ में खाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उसमें एक अलग तरह की बॉन्डिंग बन जाती है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ बॉन्डिंग वी ऑल हैव, एंड आई एम श्योर जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको वो बॉन्डिंग, वो केमिस्ट्री भी नज़र आएगी स्क्रीन पर। ऐसे लोग भी होते हैं, गुड फन, समन इज वेरी 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 डेफिनेट इन यू के मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो इट हेल्प जब आपका डायरेक्टर अपने बात में क्लियर है। सो आई रियली एंजॉय। लाइक आई एम सेइंग कि समन वाज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन दैट हम स्टोरी नरेशन पे बैठे हैं टिल द शूटिंग टिल द डबिंग। ओके सर, आई वांट लाइक दिस एंड सर, आई वांट टू प्ले लाइक दिस। ये चीज़ें जब टेबल पर क्लियर हो जाती है, पहले क्लियर हो जाती है, सो व्हेन यू गो ऑन द फ्लोर देन इट्स जस्ट अ लिटिल बिट इन रेडी टू टेक केयर ऑफ। सो आप भी एज एन एक्टर यू कम विद योर होमवर्क, अच्छा इसने ये बोला था, ये नहीं बोला था,
Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, इस पर कुछ रोशनी डालिए। रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।